भाई लोकी सीजन 2 का हर गुजरता एपिसोड दिलजीत भाई लोकी सीजन 2 का हर गुजरता एपिसोड दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसका हर एक एपिसोड पीक तक जाता है और हर बार अपनी बाउंड्रीज को पुश करता है, जहां इसका हर एपिसोड देखने के बाद हम फैंस को यही लगता है कि इसके आगे और क्या ही देखने को मिलेगा। और तभी बूम, इसका नया एपिसोड इसके पिछले वाले एपिसोड से बेहतरीन होता है। एंड इसका ये एपिसोड 5 इस बात का जीता जागता सबूत है। और हाँ, आगे स्पॉइलर होंगे तो सोच समझ आपकी और एक्सप्लेनेशन मेरा। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पर इसका पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। टेम्पोरल रूम के फटने के बाद ओबी, मोबियस और बाकी सब अपनी ब्रांच टाइमलाइन में वापस जा चुके हैं, जहां एंड टीवीए भी डिस्ट्रॉय होना चालू हो चुका है और लोकी की टाइम स्लिपिंग प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो चुकी है। एंड इसी प्रॉब्लम की वजह से वो टाइमलाइन में इधर उधर ट्रेवल कर रहा है, जहां इसी के चलते मोबियस, ओबी, हंटर B15 और कैसी के पास्ट को भी हमें जानने का मौका मिलता है। जहां सबसे पहले हमें कैसी के बारे में जानने को मिलता है कि कैसे वो 1962 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया की किसी जेल में कैदी था। दूसरा मोबियस, जिसके पास्ट के बारे में हम इसके पहले सीजन में टीज किया गया था, जो 2022 क्लीवलैंड ओहायो में जेट्सकी बेचने का धंधा करता है और वो जेट्सकी के पीछे कितना पागल है वो इस एपिसोड में हमें देखने को मिला। एंड उसके दो बेटे भी हैं और मोबियस का रियल नाम डोन है, जो टीवी में बदलकर मोबियस कर दिया गया। साथ ही हंटर B15 2012 में एक डॉक्टर है और अपना ओबी 1994 पेसाडीना कैलिफोर्निया में एक राइटर है और साथ ही एक साइंटिस्ट भी। जहां लोकी इन सबसे मिलता है और ओबी सिर्फ अकेला ऐसा बंदा है जो उसकी प्रॉब्लम को समझता है और उसका एक सोल्यूशन भी देता है कि कैसे वो इन सबको इकट्ठा करके टीवीए को बचा सकता है। साथ ही ओबी लोकी को ये समझाता है कि टाइम स्लिपिंग प्रॉब्लम ही उसका सबसे बड़ा हथियार है और उस पर कंट्रोल करके वो लोगों की जिंदगी बचा सकता है। एंड लोकी उसे टीवीए हैंडबुक देकर उससे टेम्पेट बनवाने की बात करता है एंड नो डाउट ओबी उसे बना लेता है, जिसमें सरप्राइज एलिमेंट ये है कि उसे 18 महीने लगते हैं इसे बनाने में और ये 1-1.5 मिनट को जो इन्होंने 18 महीने बता दिया, मैं तो वहीं बिक गया भाई। जहां लोकी एंड ओबी इन सबको इकट्ठा करते हैं एंड लोकी उनको टीवीए के बारे में बताता है और कैसे वो सब मिलकर टीवीए को बचा सकते हैं, जिसमें उनकी उस टाइमलाइन में रहने वाले लोगों की जिंदगी वो बचा सकते हैं। और यही बात वो सिल्वी को भी समझाता है, लेकिन सिल्वी कहां मानने वाली थी। और जब उसकी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है तब उसे ये बात समझ में आती है और वो टेम्पेट का यूज करके लोकी के पास जाती है, जहां इससे पहले वो कुछ कर पाते सभी चाउमीन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये देखकर मैंने अपना सर पकड़ लिया था और यहीं पर टॉम हिडलस्टन की मैं जरूर से तारीफ करना चाहूंगा। जो हॉरर और टेरर हमें देखने को मिलता है वो पूरी तरीके से उनकी एक्टिंग फील करवा देती है। जहां आखिर में लोकी टाइम स्लिप करके उन सबको बचा लेता है और टाइम स्लिप की मदद से ही वो टीवी में दोबारा वापस जाते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो गया और मुझे पता ही नहीं चला कि ये एपिसोड कब खत्म हो गया, क्योंकि एक पल के लिए भी मैंने अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। एंड शुरू से लेकर एंड तक जो हॉरर वाइब इस एपिसोड ने दी है वो तो अलग लेवल का है, जिसका पूरा श्रेय इसके म्यूजिक डिजाइनर को जाता है। एंड उनको मेरी तरफ से झप्पी और पप्पी। और नो डाउट कि इसके आने वाले एपिसोड के लिए हम फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। खैर ये तो कोई बोलने वाली बात है नहीं। हां, आगे के एपिसोड में लोकी टाइम लूम को ठीक करने के लिए निकलेगा और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अगर वो टाइम लूम को ठीक कर देता है तो मल्टीवर्स का क्या होगा और अगर वो नहीं कर पाता है तो इन सब का क्या होगा। विक्टर टाइमली और कैंग को ये कैसे फिट करेंगे वो देखने के लिए मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूं। बात करना चाहूंगा इसकी राइटिंग की और डायरेक्शन की, जो इतना बेहतरीन और उम्दा लेवल का है। मार्वल के लिए जरूर से बोलना चाहूंगा कि एक ही तो दिल है हम फैंस के पास और लोकी का सीजन 2 उस दिल को 5 बार तो लूट चुका है और 6ठी बार लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एंड ये बात भी छुपी नहीं है कि एक तरफ लोकी का सीजन 2 और एक तरफ मार्वल का फेज 4 फेज 5। तो ये थी इस एपिसोड को लेकर मेरी फीलिंग, मेरे दिमाग में जो भी आया देखते वक्त वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कर देना और इस चैनल पर कैसे भी नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे और जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा इसके एपिसोड के ऊपर भी मैंने बात की हुई है तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ दे दूंगा, यहाँ से वो वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम।